हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के साथ में हूं अतीक खालिद हनियाल। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात से कबल अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स के इजरा का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब ने रिमार्क दिए हैं कि मुमकिन है कि अदालत फंड्स रोक दे। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ बिला मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। कौमी असम्बली का इजलास, वज़रा और सेक्रेटरी दाखिला के न आने पर स्पीकर सरदार अयाज सादिक ईवान से वॉकआउट कर गए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन-ए- अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में डॉक्टर ताहिल कादरी, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक और जहांगीर तरीन को एक बार फिर मफरूर करार दे दिया। एसएसपी तशद्दुद केस में इमरान खान को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल समेत 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज गुजरात में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान जल्स से खिताब करेंगे। और आज और कल बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी।